ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर विजय जैन। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन के साथ ही आपके स्वास्थ्य से जुड़े विषयों पर। देश में पिछले 24 घंटे में 1500 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 191,48,00,000 से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। श्रोताओं, कोरोना, उसकी वैक्सीन और आपके स्वास्थ्य से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए हमारे आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के चीफ मेडिकल ऑफिसर और ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर डॉक्टर विजय जैन। डॉक्टर विजय जैन, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल डॉक्टर विजय से हमारे स्टूडियो के नंबर 0112341764 यानी 0112342174 पर सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ट्विटर पर सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं, तो आप हड्डियों से रिलेटेड सवाल भी आप कर सकते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर विजय, देश में कोविड की वर्तमान स्थिति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी कोविड के केसेस अभी बीच में काफी बढ़े थे जी, और वो धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। जो इस बार जो वेरियंट था वो बहुत ज्यादा घातक नहीं था जी, और बहुत सारे लोगों को वैक्सीनेशन भी हो चुका है, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज हैं, तो इस वजह से कोविड-19 का असर बहुत ज्यादा लोगों पर नहीं पड़ा। और दूसरा, लोग डॉक्टर विजय से हमारा संपर्क किन्हीं कारणों से टूट गया, हम दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि डॉक्टर विजय बता रहे थे कि अगर आप देखें तो कोविड के मामलों में बीच में काफी धीरे धीरे मामले बढ़ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से ये डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और मामले कम हो रहे हैं, लेकिन एहतियात हमें बिल्कुल बनाकर रखनी है। और अगर आपने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आपको अपना वैक्सीनेशन कराना है, और साथ में अगर प्रिकॉशनरी डोज आपकी ड्यू है तो आपको अपनी प्रिकॉशनरी डोज भी लगवाते रहना है। और इस बीच डॉक्टर साहब हमारे साथ दोबारा जुड़ गए हैं। डॉक्टर विजय, हम चर्चा कर रहे थे कि देश में कोविड के मामलों में बीच में थोड़ा बढ़ोतरी हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये मामले फिर से कम हो रहे हैं। और डॉक्टर विजय, आप देश के जाने माने ऑर्थोपेडिक चिकित्सक हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार अगर हम देखें तो लॉन्ग कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने घुटने में दर्द है, जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हैं, तो ये बहुत से लोगों का अभी भी बना हुआ है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? जी, एक्चुअली लॉन्ग कोविड एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, और एक ये पब्लिक हेल्थ के लिए काफी बड़ा चैलेंज भी है। बहुत सारे मरीज जो जिनको कोविड-19 हुआ जी, उसके बाद उसमें हड्डी से रिलेटेड कुछ ना कुछ सिम्टम्स या तो नए डेवलप हो गए या उनमें कोविड के दौरान जो सिम्टम्स हड्डियों में, जोड़ों में दर्द था, मांसपेशियों में खिंचाव था, वो लगातार कंटिन्यू रहा। तो ऐसे में बहुत सारे मरीज थकान महसूस करते हैं जी, अपनी मांसपेशियों में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं, और इस वजह से लॉन्ग कोविड होने की वजह से कई मरीजों को डिप्रेशन की शिकायत और एंग्जाइटी की शिकायतें होने लगी हैं जी। और
ये एक कारण था, लेकिन अगर हम देखें तो दूसरी लहर के दौरान बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जिनके अंदर हमें स्टेरॉयड का भी प्रयोग करना पड़ा और बहुत सारे लोगों में स्टेरॉयड का प्रयोग हुआ। तो क्या स्टेरॉयड के यूज करने से जोड़ों में या हड्डियों में दर्द की शिकायत या कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस मिलते हैं? जी जी, ये तो बहुत बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। स्टेरॉयड का जो यूज है वो केवल उन पेशेंट्स में ही कोविड में अनिवार्य था जो पेशेंट आईसीयू में थे, जिनको बहुत ही सीवियर कोविड 19 डिजीज थी जी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने स्टेरॉयड को नॉर्मल तरीके से भी यूज किया। और अगर आप पिछले जो सात कोविड हुआ था उसको अगर आप देखें तो करीब 30-32% लोग ऐसे थे जिनको हड्डियों में एक तरह का रोग होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑस्टियोनेक्रोसिस जी। तो वो ऑस्टियोनेक्रोसिस करीब 30% लोगों में, ऑस्टियोनेक्रोसिस जो हमारा जो हिप जॉइंट होता है उसका जो हेड होता है सॉकेट के साथ लगा, जिसको हम फीमोरल हेड कहते हैं जी, की ऑस्टियोनेक्रोसिस करता है। तो स्टेरॉयड को डायरेक्ट कल्प्रिट माना जाता है कि वो जो फीमर का हेड है उसकी ऑस्टियोनेक्रोसिस कर देता है। और अभी इस कोविड 19 के दौरान भी अभी हमारे जो लिटरेचर है उसमें बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जिसमें कोविड 19 के बाद लोगों को फीमोरल हेड ऑस्टियोनेक्रोसिस हो रहा है। और साथ ही साथ जो स्टेरॉयड है वो शरीर में ऑस्टियोपोरोसिस भी करता है जी। तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से और ऑस्टियोनेक्रोसिस होने की वजह से बहुत सारी हड्डियों की समस्याएं लोगों को डेवलप हो जाती हैं जी। तो मेरा केवल यही मानना है और यही कहना है कि जो भी आप दवाई ले रहे हैं कोविड 19 के दौरान वो डॉक्टर की परामर्श से ही लें, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी सलाह से लें, और स्टेरॉयड का उपयोग केवल उसी समय करें जब बीमारी बहुत ही घातक हो जी, अन्यथा नहीं जी। और डॉक्टर विजय, कोविड के दौरान बहुत सारे चीजों को हमने देखा कि लोगों ने एक ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल किया, और बहुत सारे ऑफिस की अगर हम बात करें या मोबाइल की भी बात करें तो उस समय कुछ और करने को नहीं था तो यही एकमात्र विकल्प था लोगों के पास। और ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा इस समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, एक एडिक्शन की तरह हो गया है, या हम ये देखें कि एक ही पोस्चर में बहुत देर तक, जो कि ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम भी करना होता है तो एक ही पोस्चर में, या आप घर पे रहते हैं तो सही तरीके से बैठते नहीं हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है पीठ में दर्द की शिकायत होती है, कमर में दर्द की शिकायत होती है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से? जी देखिए, स्मार्टफोन एक बहुत अच्छी डिवाइस है जो आजकल हमारे लिए सभी इसको यूज करते हैं और बहुत उपयोगी भी है, लेकिन इसका अधिक उपयोग किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। तो स्मार्टफोन भी उसी तरीके से है कि हम उसको जितना ज्यादा यूज करते हैं तो उससे तीन तरह की समस्याएं हो सकती हैं। एक तो ओवर यूज से समस्या हो सकती है, या उसको यूज करते समय अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मैकेनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हम गर्दन से स्टार्ट करें तो आप देखिए, जो लोग स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं उनको गर्दन में दर्द रहता है जी। इसको एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी भी दी गई है जिसे हम टेक्स्ट नेक के नाम से भी कहते हैं। फिर अगर आप कंधे में आ जाएं तो कंधों में दर्द होना, इसके अलावा नसों में दबाव हो जाना, कभी कभी फोन को लोग गाड़ी चलाते समय या कंधे और कान के बीच में रख लेते हैं जी, और बहुत देर तक रखे रहते हैं, उसकी वजह से नसों में दबाव आ जाता है। इसी प्रकार से फोन को बहुत समय तक हाथ की कोहनी को मोड़ के रखने की वजह से जो हाथों में नसें होती हैं उनमें दबाव आता है, और दबाव की वजह से हाथों में झंझनाहट आना, हाथों का सुन्नपन हो जाना, हाथों में कमजोरी आना। इसी तरीके से अगर हम रिस्ट को बार बार लिखने के लिए बार बार यूज करते हैं तो उससे जो हमारे जो टेंडेंस है, जो हमारे मसल को, जो मांस को जो हमारी हड्डी के साथ जोड़ते हैं जी, उसकी झिल्लियों में सूजन आ जाती है। तो इस तरीके की समस्याएं होती हैं, और मरीजों को बहुत से लोग
जैसे यूज करते हैं स्मार्टफोन, तो उससे कभी कभी एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो ये काफी सारी समस्याएं जो है स्मार्टफोन से हो जाती है। जी बिल्कुल। तो एक सही पोस्चर हमारा क्या होना चाहिए जब हम एक डेस्क पे अपनी, इवन हम सिर्फ घर की ही बात क्यों करें, ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों को शिकायत हो जाती है जब हम अपनी सीट पर बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं। तो हमें किस तरह का एक ऐसा कुछ करना चाहिए कि हम स्वस्थ भी रहें और हम काम भी कर सकें। जैसे स्मार्टफोन का जैसे हम यूज कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि राइटिंग के समय दोनों थंब का इस्तेमाल करें ताकि आप फोन को अच्छे से होल्ड भी कर सकें और अच्छे से टाइप भी कर सकें। और फोन को, स्मार्टफोन को हमेशा बैठ के यूज करें, चलते समय मत यूज करें, उससे गिरने का, दुर्घटना होने का डर रह सकता है। हाथों को बदलते रहें, कभी राइट से यूज करें, कभी लेफ्ट से यूज करें। इसके अलावा कलाई को हमेशा सीधा रखें। अगर कलाई को सीधा नहीं रखते हैं तो एक बीमारी जो आजकल सबसे ज्यादा देखी जाती है स्मार्टफोन की वजह से, जिसे हम कार्पल टनल सिंड्रोम भी कहते हैं, उसमें जो है हमारी नसें दबाव देती हैं और हाथों में धीरे धीरे हाथों की जो पिंच है और जो किसी चीज को पकड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इसके अलावा सर को ज्यादा देर तक झुका के ना रखें, बहुत तेजी से ना लिखें, थोड़ी थोड़ी देर में अपने जैसे आप बहुत देर तक कंप्यूटर पर बैठे हैं, आधे घंटे के बाद आप उठ के थोड़ी देर थोड़ा टहल लें, उसके बाद आके बैठें। कंप्यूटर और स्क्रीन को अपनी अपनी एक सीध में रखें ताकि आपकी गर्दन में ज्यादा झुकाव ना रहे, बहुत ज्यादा कोहनियों को फैलाएं ना, ज्यादा फैलाने की वजह से नर्व स्ट्रेच होती है और फिर पेन करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप, इनका पालन करके आप स्मार्टफोन और कंप्यूटर पे जो इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे आप अच्छी तरीके से बच सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर विजय, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी क्योंकि कोविड के बाद से जब से लोगों का वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ तो मूवमेंट भी कम हो गया और उसके साथ ही चूंकि एक लॉन्ग आवर्स तक जब आप अपने घर में आराम से जब काम करते हैं तो कई बार लोग लेट के बाद काम करते हैं, पोस्चर बदल लेते हैं, तो सही पोस्चर न होने से तरह तरह की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा। और बहुत सारे हमारे कॉलर्स हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, सबसे पहले रुख करते हैं बड़ौद का, जहां से महेश शर्मा जी हमारे रेगुलर कॉलर हैं। आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। महेश जी नमस्कार। जी महेश जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आपका। हमने तीनों डोज ले लिए हैं जी और जब हम सुरक्षित हैं अभी, अब तो हम अपना कैसे कैसे ध्यान रखें, और जो लोग कोविड के कारण जो है हाथ पैर में दर्द रहता है और जो है भूख भी नहीं लगती और नींद भी नहीं आती और जो है सूंघने की शक्ति खत्म हो चुकी है, अब ये बताओ हम अब हमारे कैसे कैसे हमारा निवारण होगा। जी बहुत सारे सिम्टम्स बताए हैं इन्होंने, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा इसको और स्पेसिफिक करते हैं डॉक्टर विजय। और हम इन्होंने जैसे हाथ पांव और जोड़ों में दर्द की बात की, हालांकि शायद थोड़ा देर से सुनना शुरू किया होगा, इस सवाल का जवाब आपने दिया, लेकिन अक्सर हम वैसे भी देखते हैं अगर हम कोविड को ना भी बात करें तो जोड़ों में दर्द एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं और एक खास उम्र के बाद तो और भी दिक्कत आ जाती है, लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, अपना रेगुलर काम नहीं कर पाते, तो इसका क्या कारण है और इसको जोड़ों के दर्द से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना होगा। जी इसमें क्या है कि ये जो एज के साथ जो ये प्रॉब्लम जोड़ों में डेवलप होती है उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं जी। और ये एक डीजेनरेटिव प्रॉब्लम है, जो नॉर्मल हमारा वियर एंड टियर प्रोसेस जो नॉर्मली होता रहता है और उसके साथ में रिपेयर भी होता रहता है, जितना वियर होता है उसके साथ में रिपेयर भी होता रहता है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे शरीर में जो रिपेयर होने की चीजों को क्षमता है वो कम होती चली जाती है, तो उसकी वजह से जो जोड़ हैं उनके जो कार्टिलेज होते हैं वो घिसने लगते हैं और उन कार्टिलेज के घिसने की वजह से कई मरीजों को समय से पहले भी जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हाथों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि अपने जो अपने हाथ हैं, अपने जो घुटने हैं, एंकल है, कमर है, इन सबको अच्छी तरीके से चलाएं,
चलाने के लिए जरूरी है कि आप डेली एक्सरसाइज करें। जितना आप एक्सरसाइज जितना करेंगे उससे उससे आपके जो ज्वाइंट होंगे वो बहुत सफल हो जाएंगे, आपकी जो मसल्स हैं ज्वाइंट के अराउंड वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगी, मजबूती मिलेगी उनको, और उससे आपको जो है जो दर्द है उसमें आपको काफी हद तक जो है उसमें फायदा मिलेगा। जी, और गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। सुभाष जी नमस्कार। सिद्धार्थ सर जी, सुभाष जी साहब को नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी मैं जानना चाहूंगा सर जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ऑर्थोपेडिक के स्पेशलिस्ट हैं जी, सर मैं जानना चाहूंगा कि जो कैल्शियम माना जाता है कैल्शियम शरीर के अंदर बनता है, तो शरीर के अंदर कैल्शियम बनता है तो कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ से बनता है? और एक चीज और जानना चाहूंगा सर इम्पोर्टेंट कि उम्र का कौन सा वो पड़ाव है जिस उम्र के बाद से कैल्शियम कम होना शुरू हो जाता है या बिल्कुल मात्राएं उसकी घट जाती है, हमें वो कृपा करके बताइए। और ज्यादातर बुजुर्गों में ये देखा गया है कि घुटने में जो है उनको क्यों दर्द होता है, बाकी हाथ में भी मोड़ में भी होना चाहिए, सर ये बताइए मुझे कृपा करके, धन्यवाद जी। डॉक्टर विजय, कैल्शियम एक बहुत बड़ी चीज है और हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही आवश्यक, जिसे हम कह सकते हैं एक मिनरल है, लेकिन यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे जैसा कि इन्होंने पूछा कि कैल्शियम की हमारे शरीर को आवश्यकता किस प्रकार होती है, हमें कहां से मिल सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्टर की एडवाइस के अपने आप भी कैल्शियम लेते हैं, वो कहां तक कितना सही है? तो इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि नॉर्मल जो कैल्शियम है वो हमारा जो सोर्स होता है वो मेन सोर्स है डाइट्री सोर्स। जब हम खाने में अच्छी मात्रा में जो कैल्शियम लेते हैं, जैसे दूध या दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी सब्जियां हैं या आपका मीट है, तो उसमें आपको कैल्शियम मिल जाता है शरीर में। और शरीर में कुछ ग्रंथियां होती हैं, और जैसे किडनी है और पैराथायराइड ग्लैंड है, ये जो है कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है। तो जो ऐसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी रिक्वायरमेंट जो है कैल्शियम और विटामिन डी की बढ़ने लगती है जी। और तो ये माना जाता है कि जैसे फीमेल्स में जो है पोस्ट मीनोपॉजल जो फीमेल्स हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा कैल्शियम की आवश्यकता बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, शरीर में हार्मोन्स होते हैं। और जो मेल्स होते हैं उसमें क्योंकि 50 साल के ऊपर जो मेल्स होते हैं उसमें कैल्शियम की मात्रा थोड़ी सी अधिक होती है। और ये जो कैल्शियम होता है वो हमारी बोन को जो हमारा बोन का जो मैट्रिक्स है जी, जो बोन का आर्किटेक्चर है उसको बिल्ड उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको उसको डेवलप करता है जी। और जो लोग कैल्शियम बाहर से खाते हैं, वैसे तो कैल्शियम जितना हमको जरूरत होती है शरीर में हम डायरेक्टली लेते हैं और जितना जरूरत होती है उतना एब्जॉर्ब होता है, उसकी एक हीमोस्टेसिस बॉडी के अंदर एक मेंटेन रहती है। ऐसा नहीं है आप बहुत सारा कैल्शियम खा लें और वो जाके बॉडी में कहीं डिपॉजिट हो जाए, ऐसा नहीं है। कैल्शियम हीमोस्टेसिस होती है, उसकी वजह से जितना उपयोगी होता है उतना ही एब्जॉर्ब होता है और बाकी जो है एक्सक्रीट हो जाता है शरीर से। लेकिन कुछ लोग हैं जो कैल्शियम को बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं, ऐसे केसेस में कभी कभी कैल्शियम शरीर में कई जगह पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। ओके, और डॉक्टर विजय, कई बार आजकल हम देखते हैं कि जब से इम्यूनिटी की बात आई, जब से ग्रोथ की बात होती है, तो हम सब जो है अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स में देखते हैं कि कैल्शियम की जब भी बात होती है तो उसके साथ बात आती है विटामिन डी की, क्योंकि कहते हैं कि विटामिन डी अगर सफिशियंट नहीं है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी उतना नहीं होगा। तो ऐसे में हमें किस तरह का संयोजन रखना चाहिए, अपना विटामिन डी भी क्या बराबर टेस्ट कराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें तो WHO की स्टडी भी आई थी कि जो मुंबई दिल्ली जैसे महानगर हैं यहां के लोगों में विटामिन डी की काफी कमी देखने को मिली है जी। देखिए, विटामिन डी की कमी होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो है इंडोर। आजकल बहुत सारे लोग केवल घर के अंदर ही रहना पसंद करते हैं या ऑफिस में वर्क करते हैं, उनको प्रॉपर सनलाइट एक्सपोजर नहीं मिलता, उनकी जो लाइफ है बहुत सिडेंट्री है, वो बहुत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। जो लोग एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं, आउटडोर एक्टिविटी अच्छी होती है, उनका तो कैल्शियम लेवल, उनका विटामिन डी लेवल ठीक होता है। दूसरा बात यह है कि जो हमारे बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो विटामिन डी फोर्टिफाइड नहीं होते, इसलिए हमें विटामिन डी को अलग से लेना पड़ता है। और आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जिनको विटामिन डी की कमी रहती है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार अपना विटामिन डी लेवल करा लें। अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है, आपको कमजोरी महसूस हो रही है या हड्डियों में दर्द है, तो आप एक बार अपने विटामिन डी लेवल्स करा सकते हैं। अगर वो लो है तो आप उसके हिसाब से अपना ट्रीटमेंट, जो विटामिन डी का डोज है, उसको प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं और इसको बार बार कराने की जरूरत नहीं है। जी, और अब हम रुख करते हैं शहरे तहजीब लखनऊ का, जहां से मोहम्मद आरिफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। जी बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब अभी आप चर्चा कर रहे थे कैल्शियम के बारे में, तो डॉक्टर साहब हमारा प्रश्न ये है कि कैल्शियम मतलब जैसे कम हो जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम हम लोगों को होती है, तो हम मतलब खान पान में किन किन चीजों का ध्यान रखें ताकि विटामिन है या कैल्शियम की कमी ना होने पाए, ताकि जब कोई प्रॉब्लम जब होता है तो अंदर से जब कैल्शियम या कुछ कमी होती है जैसे आपके मुताबिक तभी होता है, तो आप इस पर रोशनी डालें कि कौन कौन चीजें हम अपने खान पान में रखें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम हमको भविष्य में ना होने पाए। और अगली बात यह सर मैं पूछना ये चाहूंगा कि क्या कैल्शियम कमी से ही क्या बाल वगैरह जल्दी पक जाते हैं, तो क्या इसी से होता है क्या? जी डॉक्टर विजय, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने किया है। सबसे पहले तो सोर्स ऑफ कैल्शियम समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि कहां से हमारे बॉडी को कैल्शियम मिल सकता है और इसकी कमी से हमें किस तरह का सामना करना पड़ेगा। जी, तो जैसे जो शेल्स होती हैं, सी शेल्स होती हैं, वो बहुत रिच कैल्शियम का सोर्स होता है और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है सी शेल्स के आते हैं। इसके अलावा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम होता है। बाकी आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो नॉन वेज में भी बहुत सारा कैल्शियम आपको फूड में मिल जाएगा। बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं जिसमें कैल्शियम की मात्राएं होती हैं, उनका आप सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी एज सच, मैंने जैसे बताया कि एज सच कैल्शियम की कमी नहीं होती है क्योंकि बॉडी में एक हीमोस्टेसिस मेंटेन रहता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम है, अगर आपके ब्लड में कैल्शियम कम है, तो वो बोन से मोबिलाइज होके ब्लड में आ जाएगा, तो कभी भी हाइपोकैल्शियमिया की स्टेट ऐसे आपको नहीं डेवलप होगी, ठीक है ना? तो कैल्शियम हमेशा रहता है और जो हम रेगुलर रोज हम जो खाते हैं उससे हमें कैल्शियम नॉर्मल तरीके से मिलता रहता है। एक सर्टेन उम्र पे आने पर वहां पर कुछ कैल्शियम की कमी होती है, वहां पे हमें उसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। जी, और रुख करते हैं महाराष्ट्र में ठाणे का, जहां से गुरुनाथ जी अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। गुरुनाथ जी नमस्कार। सर नमस्कार। हेलो जी, जी गुरुनाथ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है। हेलो जी 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 गुरुनाथ जी बताएं। सर जी, ये जो कोविड होने के बाद जो रिकवर आदमी होते हैं उनमें कई कई लोगों में ऐसा देखा गया है उनका जो हाइपरटेंशन का जो बीमारी बढ़ गया और उच्च रक्तचाप, और कुछ कुछ लोगों को ऐसा भी देखा गया है कि मतलब 30-35 एज के जो लोग हैं उनकी आंखों की रोशनी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उनको पहले मतलब थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम आ गए, छोटे छोटे अक्षर अभी दिखते नहीं है, कुछ मतलब ऐसे लोग चार पांच लोग हमारे पड़ोस में है। जी, जी। तो सर क्या है पोस्ट कोविड का जो है? और दूसरा सवाल मेरा है ये कि ये जो तीसरा डोज देने का जो प्रिकॉशन डोज का जो लोगों में उदासीनता देखी गई है, तो क्या चौथी लहर आने से इन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है? थैंक यू सर। जी बिल्कुल, सबसे पहला सवाल लेते हैं, इन्होंने पोस्ट कोविड कुछ लक्षणों की बात की है कि आंखों से कम दिखना संभव हो सकता है या कुछ दूसरे लक्षण, लेकिन इसके बारे में आपने जैसा कि बोला कि लॉन्ग कोविड के बारे में आपने चर्चा की, डॉक्टर साहब इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, मैंने जैसे बताया कि लॉन्ग कोविड में बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मैंने आपको जोड़ों से संबंधित चीजों के बारे में बताया, ऐसी कई समस्याएं हैं जो कोविड के बाद लोगों को हो रही हैं, और ये जो है एक रिसर्च का विषय है कि ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो लोगों को कोविड के बाद हो रहे हैं। लेकिन हर चीज में कोविड को ब्लेम करना भी ठीक नहीं है। जी। मुझे लगता है कि अगर आंखों में देखने में दिक्कत है तो एक बार वो अपनी आई टेस्ट जरूर करा लें, हो सकता है कि आंखों में कोई प्राथमिक बीमारी भी हो सकती है,
या ब्लड प्रेशर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डायबिटीज जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो बहुत हिडन होती हैं और उनके अमान्य रूप से बहुत ज्यादा उनके सिम्टम्स नहीं होते और वो किसी तरीके से प्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल, और आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे भी है और आज के दिन मतलब इस बार की थीम जो रखी गई है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली कंट्रोल इट लिव लॉन्गर, तो हम सभी श्रोताओं से भी ये अनुरोध करना चाहेंगे कि आप अपने रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को बराबर नापते रहें, समय समय पर इस पर नजर रखें और अगर थोड़ा सा भी आपको ऐसा लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा है तो ऐसे में अपने निकट के चिकित्सक से जो है मिलना ना भूलें, उनसे परामर्श लेना ना भूलें। और अब रुख करते हैं बलरामपुर का और सवाल लेते हैं रिंकी तिवारी जी का। रिंकी जी नमस्कार। हेलो जी रिंकी जी, रिंकी तिवारी जी की आवाज नहीं आ रही है, लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हेलो रिंकी जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ओके, डॉक्टर साहब रिंकी जी से संपर्क अभी हमारा नहीं हो पा रहा है। हमारी एक श्रोता रीनू ने यह सवाल किया है कि उनको उनकी रिप्स में फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद कई वर्ष हो गए हैं लेकिन अक्सर जो है वो किसी किसी पोस्चर में उनको दिक्कत होती है जब वो लेटते हैं या करवट लेती हैं, तो क्या ये परसिस्ट करती है बहुत दिनों तक ये प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर बहुत साल पहले चोट लगी है और फ्रैक्चर हुआ है और ठीक तरीके से हड्डी को रिड्यूस कर दिया गया है और उसको रिड्यूस करने के बाद फ्रैक्चर हील हो गया है, तो नॉर्मली जो जिसे हम कहते हैं पोस्ट फ्रैक्चर सिंड्रोम्स कहते हैं या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टिफनेस कहते हैं, वो 6 महीने या साल भर तक तो चलती है, उसके बाद वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे सोते समय या किसी काम करते समय, कुछ काम करते समय आपने अपना रिस्ट को सही से नहीं यूज किया या आपने हैवी वेट लिफ्ट कर लिया हो जी, तो उसकी वजह से वो दर्द हो सकता है। नॉर्मली इसको फ्रैक्चर से कोरिलेट करना ठीक नहीं है। ओके, और रुक करते हैं गाजियाबाद का, बात करते हैं सुभाष जी से। सुभाष जी नमस्कार। सर नमस्कार, आपको भी डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी सुभाष जी जल्दी से अपना सवाल। मेरा सवाल ये है सर कि कोई स्वास्थ्य व्यक्ति है, क्या वो विटामिन लेता है तो उसके साइड इफेक्ट बनते हैं क्या सर? जी डॉक्टर विजय, अगर किसी कोई स्वस्थ व्यक्ति अगर सप्लीमेंट लेता है विटामिन से तो क्या उसके स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? इन्होंने सवाल ये पूछा है अगर कि कोई स्वस्थ व्यक्ति विटामिन्स का सप्लीमेंट लेता है तो क्या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, कुछ विपरीत प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। स्वस्थ व्यक्ति को विटामिन लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये सब एक केमिकल्स हैं और इनका बॉडी में इंटीग्रेशन होता है, ये मेटाबोलाइज होते हैं और इनके जो केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं बॉडी को हार्म कर सकते हैं। तो आपको अगर जरूरत नहीं है तो आप जो नेचुरल फ्रूट्स हैं आप उनका सेवन करें, उससे आप विटामिन और मिनरल्स लें। मैं नहीं मानता कि किसी स्वस्थ व्यक्ति को अलग से विटामिन लेने की जरूरत है। जी, और श्रोताओं समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विजय, आप आकाशवाणी समाचार के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए और विशेष तौर पर जो आपने हड्डी रोग से संबंधित हमारे श्रोताओं को जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। धन्यवाद सिद्धार्थ जी। श्रोताओं आपसे ये कहेंगे कि डॉक्टर विजय ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। आज डॉक्टर साहब ने आपको पोस्चर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, तो जब भी आप बैठिए एक सीधे पोस्चर के साथ बैठिए, आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर विजय जैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है AIR NSDtalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।